हेलो दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो जो हमारा पार्ट 6 है। दोस्तों आज हम एमएस वर्ड के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और एमएस वर्ड के क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने सुपर 15 क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखते हैं दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज का। तो दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन है आज का कि ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज इंक्लूड, यानी कि ऑफिस में क्या क्या चलता है दोस्तों, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। तो दोस्तों ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस ये सारे चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबो। तो चलते दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि द फाइल कि फाइल एक्सटेंशन इन एमएस वर्ड। दोस्तों जो किसी भी एप्लीकेशन में हम काम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट या कुछ बनाते हैं तो उन सब का एक अलग एक्सटेंशन होता है। दोस्तों एक्सटेंशन मतलब कि जैसे नाम है, जैसे हमने कोई वीडियो डाउनलोड की तो वीडियो का हो जाएगा MP4 HD, तो ये उसका एक्सटेंशन होता है। तो वैसे ही ऐसे ही फाइल्स होते हैं एमएस वर्ड में, तो जितने भी हम पेज बनाते हैं और उनको सेव करते हैं तो उनके साथ एक एक्सटेंशन यानी उनका नाम, जैसे TXT हो सकता है या DOC या DAT। तो दोस्तों जब भी हम वर्ड के फाइल को सेव करते हैं तो वो DOC करके उसकी एक्सटेंशन होती है। लेकिन जो अब न्यू वर्जन आने लग गए हैं उनमें क्या होता है, .docx हो जाता है। तो फाइल की एक्सटेंशन एमएस वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन क्या हो गई, DOCX। और अगर आंसर में ऑप्शन में .doc दे रखा हो तो वो भी राइट हो जाएगा। तो हमारा जो बी आंसर है वो इज अ राइट हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास दोस्तों कि फ्यूचर ऑफ एमएस वर्ड प्रोसेसिंग, फ्यूचर ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों क्या कह रहा है कि वर्ड जो है हमारा उसका उसके क्या क्या फीचर्स है, क्या उसमें एडिटिंग होती है, फॉर्मेटिंग होती है, लोड होता है, सेव होता है, मेल मर्ज होता है। तो दोस्तों ये सारे काम जो है हम वर्ड में कर सकते हैं, एडिटिंग भी होती है, फॉर्मेटिंग भी होती है, लोड भी होता है, सेव भी होता है, मेल मर्ज भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच की इज यूज टू गो एट द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों वर्ड जो है वर्ड में सारे काम बटन से नहीं होते, सारे काम्स को करने के लिए कई जल्दी जल्दी काम्स को करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्टकट की बना लेते हैं। तो कई सारे शॉर्टकट कीज होते हैं। तो क्या करा, जैसे हमने बहुत सारे पेज बना लिए तो क्या करा, बिगिनिंग यानी कि स्टार्टिंग में जाने के लिए डॉक्यूमेंट के कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, क्या होम, क्या ऑल्ट होम या कंट्रोल होम या नोन ऑफ दीज। तो दोस्तों बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाने के लिए हम कंट्रोल होम प्रेस करते हैं। तो हमारा जो सी आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द हेडर में कंटेंट, क्या कह रहा है, हेडर में क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं, क्या डेट हो सकता है, टाइम हो सकता है, पेज नंबर हो सकता है या ऑल ऑफ द अबो। तो दोस्तों जो हेडर होता है किसी भी पेज के लिए होता है हेडर, तो हेडर में हम क्या कर सकते हैं, टाइटल भी होता है, डेट भी लगा सकते हैं, टाइम भी लगा सकते हैं, पेज नंबर भी होता ही होता है हेडर में। तो दोस्तों ये तीनों चीज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर यानी। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि ब्रेक कमांड इज यूज टू। तो दोस्तों जो हमारा एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में जैसे हमने एक पेज में कई सारे चीज अलग अलग फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, हम ब्रेक लगा देते हैं कि जो भी टेक्स्ट है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, जो भी टेक्स्ट है वो इससे बाहर नहीं जाएगा, फोर में बट जाए या फिर कॉलम्स में बट जाए या सेक्शन में बट जाए या पेज के लास्ट में ब्रेक लग जाए कि जो भी हमारा इस वाले पेज पे जितना भी कंटेंट है वो अगले पेज पे ना जाए। तो ये सारे ब्रेक्स होते हैं, कंटिन्यू ब्रेक्स होता है, पेज ब्रेक्स होते हैं, सेक्शन ब्रेक, तो सारे ब्रेक्स होते हैं। तो क्या करेंगे कि ब्रेक कमांड इज यूज टू,
तो ब्रेक कह रहे हैं ना, तो ब्रेक के कई सारे पार्ट्स है, पेज ब्रेक भी होता है, कॉलम ब्रेक भी होता है, सेक्शन ब्रेक भी होता है। इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबो। तो राइट आंसर इज डी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच इफेक्ट इज नॉट पॉसिबल फॉर टैक्स। यानी क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा इफेक्ट है इनमें से जो टैक्स के लिए, किसी टैक्स के लिए पॉसिबल नहीं है, कि हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते इन इफेक्ट्स को। हिडन यानी हाइड करना, स्ट्राइक थ्रो यानी कि किसी भी वर्ड के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करना, सबस्क्रिप्ट यानी ऊपर करना जैसे एक्स की पावर 2। तो दोस्तों ये सारे जो है ना, हिडन, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, ये सारे हम एक टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि नॉन ऑफ द दीज, नॉन ऑफ दीज। तो आंसर, राइट आंसर इज डी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि विच कमांड इज यूज टू डबल लाइन स्पेस इन पैराग्राफ। क्या कह रहा है, अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है तो उसमें हमें हर लाइन्स के बीच में डबल स्पेस देना है, तो उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे। क्या वो कंट्रोल 1 है, कंट्रोल Z है, कंट्रोल O है, या कंट्रोल 2 है। तो दोस्तों कंट्रोल 1 जो है वो सिंगल लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होता है, और कंट्रोल Z जो है वो रीडू अंडू के लिए यूज होता है दोस्त, यानी कि बैक जाने के लिए। और कंट्रोल O जो है वो 10 जो कंट्रोल 0 है वो 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए था, यानी कि लाइन के बीच में 1.5 इंच की। और जो कंट्रोल 2 जो है वो डबल लाइन स्पेसिंग के लिए होता है। तो हमारा जो सी आंसर हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच कमांड इज यूज टू चेंज द टेक्स्ट इन अपर केस। यानी कि इसमें भी शॉर्टकट की पूछ रहा है कि अपर केस यानी कि सारे कैपिटल हो जाए उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। क्या वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस A है, या ऑल्ट प्लस X है, या फिर शिफ्ट प्लस A है, या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो हम अपर केस करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस A से हम अपर केस कर सकते हैं। तो A जो हमारा हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अपर केस हो गया, फिर वर्ड के स्टार्टिंग वर्ड अपर हो और बाकी सारे स्मॉल हो, तो उन सब के लिए भी अगर हम शिफ्ट F3 प्रेस करते हैं तो एक एक करके वो चेंजेस होते रहते हैं। और जो इसमें ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल शिफ्ट प्लस A, तो इससे भी अपर केस होता है, इससे सिर्फ अपर केस ही होता है। तो ये इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच कमांड इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज। यानी कि हमारे पास कोई भी फॉन्ट है उसकी साइज को इंक्रीज करने के लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, या फिर कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, या नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों जब भी हमें किसी फॉन्ट का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है तो इंक्रीज के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का सिंबल प्रेस करते हैं, और डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन का साइन प्रेस करते हैं, तो हमारा हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन, जिससे हम किसी भी फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच की इज यूज टू सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं। क्या वो कंट्रोल सी है, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल ई, या कंट्रोल वी। तो दोस्तों कंट्रोल सी से तो कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है, बच गया दोस्तों कंट्रोल ई। कंट्रोल ई से होता है सेंटर अलाइन, यानी कोई भी टेक्स्ट को हम सेंटर में ला सकते हैं, तो इसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फॉर्मेटिंग टूल बार इंक्लूड्स। यानी जो फॉर्मेटिंग, जब भी हमने किसी टेक्स्ट को एंटर किया तो उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, तो जो फॉर्मेटिंग टूल बार हमारे पास होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है। करेक्टर फॉर्मेटिंग
यानी किसी भी करेक्टर को फॉर्मेटिंग करने का होता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, दोस्तों हम करेक्टर को तो फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट को भी करते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों ये सारे जो करेक्टर फॉर्मेटिंग भी होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग भी होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी होता है, तो डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इट इज अ स्केल विच शो लेफ्ट राइट एंड टैप मार्जिन। क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्केल है जो लेफ्ट राइट एंड टैप मार्जिन को शो करता है? क्या वो रूलर है, क्या वो मेन्यू बार है, स्टेटस बार है, या टाइटल बार है? तो दोस्तों स्टेटस बार में तो हमें करंट जो सीट पे जितनी सारी चीजें होती है वो दिखाता है, टाइटल बार में हमें फाइल का नाम दिखाता है, मेन्यू बार से एक टैब है, बच गया जब रूलर, तो रूलर में दोस्तों लेफ्ट राइट एंड टैब मार्जिन दिखाता है, तो हमारा जो ए हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों कि लार्जेस्ट फॉर्मेटिंग यूनिट ऑफ एमएस वर्ड, यानी कि ऐसा कौन सा यूनिट है जो सबसे बड़ा है, फॉर्मेटिंग यूनिट सबसे बड़ा कौन सा है एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे बड़ा फॉर्मेटिंग यूनिट कौन सा है? क्या वो पैराग्राफ है, करेक्टर है, लाइन है, या पेज है? दोस्तों सबसे बड़ा तो पेज ही होता है एमएस वर्ड में, सबसे बड़ा तो पेज ही होता है, उसके ऊपर ही होते हैं पैराग्राफ, उसके ऊपर ही होते हैं करेक्टर, उसके ऊपर ही होते हैं लाइन्स। तो पेज फॉर्मेटिंग इज अ लार्जेस्ट फॉर्मेटिंग इन एमएस वर्ड, तो डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ, उसके बाद हमारे आज का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू, जो हमारा होम मेन्यू टैब है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? तो दोस्तों इसमें फाइव ग्रुप्स होते हैं, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन हमारे पास है जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, और आपने अगर आपको आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। क्या है दोस्तों कि विच ग्रुप इंक्लूड सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, ऑप्शन इन एमएस वर्ड, यानी ऐसा कौन सा ग्रुप है जो हमें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रो, ऑप्शन प्रोवाइड करवाता है इन एमएस वर्ड में? तो दोस्तों अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट करके बताइए, नहीं तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड सब्सक्राइब कर ले दोस्तों जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।